आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें घर बैठे, जैसे SI, रेलवे, फॉरेस्ट, व्यापम, पटवारी, SSC, ABM, PSC, PRE तक की डाउनलोड करें शर्मा क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग ऐप। दमोह जिले में भी कोरोना धीरे धीरे दस्तक दे रहा है। मंगलवार को 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अलर्ट प्रशासन ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसको लेकर दमोह कलेक्टर तरुण राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए लोग गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली, इंदौर से ट्रैवल करके आए हैं, जिसमें 2 हिंडोरिया कोविड केयर, 1 हटा और 1 दमोह मुख्यालय के कोविड केयर में है। इनसे चर्चा कर ट्रैवल और कॉन्टेक्ट हिस्ट्री का पता लगाया जा रहा है। अजी सर, क्या रिपोर्ट सर? देखिए, अभी सूचना मिली है कि अपने जिले के जो हमने सैंपल्स भेजे थे, उनमें से 4 सैंपल कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और चारों ही लोग जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं, जो अलग अलग ब्लॉक में हैं, वहाँ पर हैं। 1 हटा में हैं और 2 लोग हिंडोरिया कोविड केयर सेंटर में हैं और 1 लोग अपने जो जिला स्तरीय कोविड केयर सेंटर है वहाँ पर। हिस्ट्री सभी की, इन चारों की ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। अभी बहुत प्राइमरी स्टेट पे अभी हमको केवल सूचना मिली है। अभी हम लोग जा रहे हैं उन पेशेंट से चर्चा करने के लिए। चर्चा के बाद में डिटेल्ड जो हिस्ट्री होगी वो बताएंगे, लेकिन प्राइमरली निकला है कि चारों लोग बाहर से आए हैं। 1 गुड़गांव से, 1 जयपुर से, 1 दिल्ली से और 1 इंदौर से। टोटल संख्या सर कितनी? टोटल 4 हैं और 1 ऑलरेडी हमारे यहाँ डिक्लेयर्ड पेशेंट है और 1 जैसा आपको बताया कि वो जो सतना का पेशेंट है उसका इलाज यहाँ पर चल रहा है। तो इस तरीके से जिले में 5 केस हैं, लेकिन अस्पताल में 5-6 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी डिटेल होगा तो देंगे, ठीक है। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। आप सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें घर बैठे, जैसे SI, रेलवे, फॉरेस्ट, व्यापम, पटवारी, SSC, ABM, PSC, PRE तक की डाउनलोड करें शर्मा क्लासेस ऑनलाइन कोचिंग ऐप।